केरल में पीएफआई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तिरुवनंतपुरम से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पीएफआई की ऑफिस बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। एनआईए और पुलिस ने पीएफआई के दफ्तर को सील कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएफआई के खिलाफ लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं और ऐसे में अब केरल में पीएफआई के दफ्तर को सील कर दिया गया है। एनआईए और स्थानीय पुलिस की टीम की तरफ से ये कार्रवाई देखने को मिली है पीएफआई के खिलाफ। हैरान करने वाली बात तो ये कि ऐसा बीते कई साल से लगातार हो रहा है। सीरिया और इराक के बीच सीमा करीब 600 किलोमीटर लंबी है। इसमें आधा हिस्सा ऐसा है जहां बरसों से विवाद चल रहा है। वहां पर जंग आतंकी संगठन भी लड़ रहे हैं, सरकारें भी लड़ रही हैं, सेनाएं भी लड़ रही हैं और सरकारों के अलग अलग संगठन भी लड़ रहे हैं। कुछ का दावा है कि वो जमीन की सुरक्षा कर रहे हैं, कुछ का दावा है कि वो युद्ध खत्म कराने की। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। कोशिश में है। लेकिन सीरिया का दावा ये है कि अमेरिका जिस संगठन की अगुवाई कर रहा है वो केवल सीरिया को लूटने में लगा है। सीरिया के दावों की पड़ताल करने के लिए जब पत्रकारों की एक टीम वहां पहुंची तो उनको भी दावों में दम लगा। एक वेबसाइट पर छापी गई रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका पर लगाए गए तेल चोरी के आरोप पूरी तरह सही हैं। यहां तक कि अमेरिका की सेना पर उन्हें जान से रोकने तक के आरोप भी लगाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की फौज एक नेटवर्क बनाकर इस चोरी को अंजाम दे रही है, जिसके लिए उन्होंने सीरिया और इराक की जंग का पूरा इस्तेमाल किया हुआ है। सीरिया के जिन इलाकों में कच्चा तेल निकाला जाता है वहां जानबूझकर उपद्रव फैलाने का आरोप अमेरिका पर लगा है, ताकि उसे काबू में करने के लिए कुछ खास सुरक्षा एजेंसियों की जरूरत पड़े। आरोपों के मुताबिक इन इलाकों की सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह अमेरिकी फौज के काबू में रहती हैं। इन्हीं एजेंसियों की मदद से तेल से भरे टैंकरों को निकाला जाता है। इसके बाद उस बॉर्डर से तेल इराक पहुंचाया जाता है, जहां सुरक्षा का जिम्मा अमेरिकी फौज के पास है। मतलब ये कि इराक और सीरिया की जंग में बिल्ली को ही दूध की हिफाजत का जिम्मा सौंप दिया गया है। जिस वक्त तेल के लिए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डोल रही है, उस वक्त अमेरिका तेल की चोरी में लगा है। दावा तो ये तक है कि कच्चे तेल के टैंकरों की सुरक्षा के लिए अमेरिका की फौज ने अपने हेलीकॉप्टर तक लगा रखे हैं। ये हेलीकॉप्टर टैंकरों के काफिले का तब तक पीछा करते हैं जब तक वो टैंकर कुर्दिस्तान न पहुंच जाएं। कुर्दिस्तान में अमेरिका की फौज का साथ पहले से कुछ संगठन देते रहे हैं, जिनकी मदद से तेल की चोरी का काम आसान हो जाता है। उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस में पुतिन के खिलाफ लोगों का गुस्सा चरम पर है। वहां जंग से बचने के लिए लोगों ने खुद को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन ने रूस के लोगों को जबरन सेना में शामिल करने का फरमान जारी किया था, जिससे बचने के लिए एक लड़का अपना ही हाथ हथौड़े से तोड़वाता नजर आया। वीडियो में दिखा कि उसने एक टेबल पर अपना हाथ रखा और उसके दोस्त ने पूरी ताकत से उस पर हथौड़ा मारा। आरोप है कि वहां लोग जंग में हथियार उठाने से बचना चाहते हैं, लेकिन पुतिन का आदेश उनके लिए सिरदर्दी बन गया है, जिसके बाद लोग रूस छोड़कर किसी भी कीमत पर भागने को तैयार हैं। एक वीडियो में तो कजाकिस्तान की सीमा के पास लोगों का झुंड नजर आया। दावा किया गया कि वो सब अपनी जान बचाने के लिए रूस से भाग कर आए। В таком состоянии не понимают вообще, что будет дальше. Он пока все в таком прострации. उधर रूस ने दावा किया है कि जंग से बचने वालों के खिलाफ सरकार एक्शन लेगी, खासतौर पर वो लोग जो बीमारी या चोट का बहाना बनाकर खुद को इससे दूर रख रहे हैं, उन्हें इसका अंजाम भुगतना होगा।